नाम से। कमलदीप जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास है NMDC के 478 शेयर, 173 मिली है NMDC के शेयर, 478 शेयर। आज का दिन स्टॉक के लिए थोड़ा सा, जितने भी आयरन ओर या ओर वाली मेटल की कंपनीज हैं उनके लिए दिक्कत भरा है। राहुल, इसमें क्या करना चाहिए? खबरें ये हैं कि आयरन ओर की कीमतें काफ़ी गिरी हैं और उसकी वजह से पूरे मेटल सेक्टर पे इसका प्रेशर है। चाइना ने जो इतना क्रैकडाउन किया है उसकी वजह से जो 63% आयरन ग्रेड वाला जो ओर है उसकी कीमतें ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आ गए, 110-120 टन डॉलर पर टन के हिसाब से। तो आज के इस गिरावट को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए NMDC में? सर देखिए, चार्ट्स पे जो NMDC जो है वो काफ़ी वीक नज़र आता है। हम देख रहे हैं कि इसने 200 रुपए के हाई से अब जो एक क्रैकडाउन हुआ है, अब ये करीबन 200 डेमा के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी पिछले सत्र में, और वहाँ से आज बिल्कुल ब्रेकडाउन देखने को मिला जिसमें अब जो स्टॉक है वो 140-141 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर सर अगर चार्ट को हम और लंबा करके देखेंगे तो पिछले साल 2020 में इसने इसी लेवल के आसपास सर अपना हाई बनाया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 138-139 सेम लेवल के आसपास ये अभी आता हुआ नजर आ रहा है जो इसके प्रीवियस हाई थे पिछले साल के। तो चार्ट स्ट्रक्चर ये बोलता है कि यहां से ये सेम लेवल पे ये सपोर्ट लेगा, और अगर ये सपोर्ट लेता है तो मुझे लगता है कि 135-140 रुपए की रेंज के बीच में इनको एक अपनी पोजीशन एवरेज आउट करनी चाहिए। यहां पे स्टॉप लॉस बनेगा 125 रुपए का और इसको होल्ड करना होगा इनको अगले 4-6 महीनों के लिए, जहां पे मुझे लगता है कि दोबारा 170-175 के लेवल NMDC में आ सकते हैं। तो आप 135 और 140 के बीच में एवरेज आउट करें, 125 का स्टॉप लॉस बनाएं, मतलब होल्ड करना चाहिए बेसिकली, और थोड़ा सा नीचे आए तो आप इसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं और आगे ऊपर फिर तेजी जाएगी, क्योंकि ये मोमेंट्री है। एक और सवाल